हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैट के। हम दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि ड्रिल का जो प्रोग्राम है हम किस तरीके से बनाते हैं। यानी कि जो ड्रिल यानी कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं, फोर्जिंग आती है, होलो टाइप के रहते हैं तो उसमें तो ड्रिल की जरूरत नहीं पड़ती। बट कुछ कंपनियों में जो है एक बुश टाइप का या सॉलिड वायर, जैसे ये सॉलिड वायर है तो इस तरीके की सॉलिड वायर में से हमें कोई इसकी आईडी बनानी होती है, तो उसके लिए पहले हमें ड्रिल का ऑपरेशन करना होता है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हमें ड्रिल का जो ऑपरेशन करेंगे तो ड्रिल का ऑपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हमें ड्रिल का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे ही ड्रिल अगर हमें इसके मान लीजिए ये 60 का डाया है, उसका 15 का बोर बनाना है, तो इसमें पहले 12 का कम से कम 12 का ड्रिल मारेंगे, ताकि 2 mm फिर उससे बोरिंग वायर से कट करके हम निकाल सकते हैं। बिना उसके हम ये चीजें नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड है कि हमने ये कंपोनेंट बना लिया। अब ये ड्रिल मारते समय जो ड्रिल है हमारा इस तरीके की ड्रिल की लगभग शेप रहती है, ये ट्विस्ट ड्रिल है। ड्रिल जो है कई टाइप की ड्रिल आती हैं, यानी के मान लीजिए 12 mm की आप ड्रिल मार रहे हो इसमें, ठीक है। अगर 15 का इसमें आईडी बनानी है तो ये सॉलिड वायर है। ड्रिल जो है एक तो ये ट्विस्ट ड्रिल है और एक यू ड्रिल भी आती है, जिसमें क्या यू ड्रिल में क्या होता है इनसेट वगैरह लगती है। तो आज हम ट्विस्ट ड्रिल का देखेंगे किस तरीके से करते हैं। इस ड्रिल का जो ये एंगल है ये अलग अलग होते हैं, इसके अलग वीडियो में एक ड्रिल की जब बनाएंगे तो पूरा डिटेल में इसकी सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो ड्रिल का प्रोग्राम बनाते समय हमें मेन चीज इसके आरपीएम वगैरह, हमें ड्रिल के टाइम कितने रखने हैं, इसके कैलकुलेशन भी है, डीसी वगैरह कितने रखने कितने नहीं रखने, और इसकी जो लेंथ है, ये मटेरियल आपको कौन सा, ये सारी चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें जो पैरामीटर है सेट करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला सिंपल इसमें फंडा यही है कि जो प्रोग्राम बनाने का, मैं आज इसमें दो तरीके से बनाते हैं प्रोग्राम, एक तो जो मैनुअली बनाते हैं और एक जो है कैम साइकिल के थ्रू बनाते हैं, जो कैम साइकिल है G74 का। तो G74 की जो है कैसे बनाते हैं वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम इसे मैनुअली बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैनुअली हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो मैनुअली प्रोग्राम बनाने के लिए जो है हमें किस तरीके से कट लिखेंगे वो चीज आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में जो है हम इसको लिखेंगे होम पोजिशन, ठीक है, U0W0, ये फानो कंट्रोल के लिए है। सीमेंट्स के लिए भी मैंने डिफरेंस बता रखा, अगर सीमेंट्स का आपको समझना हो किस तरीके से करते हैं तो सीमेंट्स वाली वीडियो में अलग है, उसमें जाकर देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें सबसे पहले ये हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं टूल नंबर दे देंगे, ठीक है। टूल नंबर एक है तो एक दे देंगे, दो है तो दो दे देंगे, ये G21, G99। जैसे G21 जो होता है mm के लिए होता है और G99 जो होता है फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए होता है। ये जनरली वैसे डालने की से जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट भी आजकल मशीनों में ये रहते हैं, बट फिर भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं 100 के लिए। अगर मान लो पहला कोई कंपनसेशन एक्टिव है तो इसे G40 से भी कोड लगा देंगे, ताकि इसमें ऑलरेडी कोई अगर कंपनसेशन एक्टिव हो तो वो हट जा सके। तो ये इतनी चीजें बेसिक है जो हमें डालनी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे भाई हमारी मशीन का जो मशीन का होम पोजीशन मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, तो पहले हमें ये लाइन जो है ये एक्स है और ये जो एक्सिस है ये जेड है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये जेड है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल ये जेड है, ये एक्सिस है, बट यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी है कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो एक्स यहाँ पे 0 है ये इस वैल्यू पे, क्योंकि ये सेंटर लाइन में है, ये डायर जैसे बढ़ेगा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे 0 है। और हमें ड्रिल हमेशा 0 पे मारते हैं, क्योंकि ड्रिल का जो है ये देख लीजिए ड्रिल का जो एक्सिस है ये भी 0 ही होता, तो ये सेंटर में चलाएंगे तब ये मान लो इसके अगर 12 का ड्रिल है तो इससे रिगर ड्रिल करता चला जाएगा। अब इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, मान लीजिए यहां से लेकर आए G0, अब सबसे पहले हम ले आते 20 पे ले आते हैं जेड 5 mm.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ये सबसे पहले अभी दूर है, यहाँ पे रैपिड में लेकर आएंगे ताकि जो हमारा साइकिल टाइम है या जो है ज्यादा ना आए, या जो बेस्ट ऑफ टाइम है ये हवा में चलती है मशीन, तो इसलिए रैपिड में लाते हैं, तो रैपिड में तेजी से यहाँ पे आ जाता है।
अब इसके बाद हम करेंगे, हम x ले लेंगे जी जीरो पॉइंट जीरो, यानी कि x बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे, बिल्कुल जीरो सेंटर पर मान लेंगे। जेड मान लीजिए 2 mm इससे थोड़ा सा दूर रख लेंगे और यहाँ पे कूलेंट ऑन कर देंगे, ठीक है। 2 mm की दूरी पे इसे रख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में एकदम ले आएंगे तो सट जाएगा, तो थोड़ा सा ड्रिल 2 mm दूर रहे ताकि आराम से फिर चला जा सके। अब इसके बाद जो है आरपीएम वगैरह आपको देने हैं, तो या तो इसके पहले भी आरपीएम दे सकते हो, ना तो यहाँ पे भी दे सकते हो, अगर यहाँ पे देना चाहते हो तो अच्छी बात है, या यहाँ पे दे दो, अगर यहाँ नहीं देना चाहते तो इसे यहाँ पे भी दे सकते हो G40 के बाद G97। अब इसमें जैसे 12 का ड्रिल है तो मैक्सिमम 500 RPM से आप ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। M03 ये RPM जो है यहाँ पे भी दे सकते हो और यहाँ पे भी दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। इसे और पहले भी देना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे भी लिख सकते हो, इतना इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये अपनी सहूलत के ऊपर है, जहां पे आप चाहो लिख सकते हो। अब इसके बाद ये आपको सबको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये रोटेशन के लिए है वैसे, और ये RPM है, ये 97 है जो कोड के लिए कोफ्रेन सरफेस कैंसिल के लिए होता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम, अब जैसे ये कितने लंबाई तक जाना, 20 mm तक जाना है, तो 20 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये अगर ऑफसेट तो यहाँ से रहेंगे तो ये जो डिस्टेंस रहती है कम से कम मान लो 3-4 mm या 5 mm रहती है, तो हम इसे थोड़ा सा 6 mm तक लेकर बाहर निकालें, 6 mm काउंट करेंगे, यानी कि 20 है तो 26 तक ले जाएंगे ताकि होल मेरा आर पार हो जाए। अगर ये पूरे चलाएंगे तो हो सकता है यहाँ तक ड्रिल इस तरीके से आए, यहाँ तक ड्रिल आके चला जाएगा और ये जो आपका पार नहीं होगा यहाँ पे इस तरीके का, ये मटेरियल भी यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे थोड़ा सा आर से पार निकाल देंगे ताकि ड्रिल मेरा यहाँ तक कहीं आ जाए, तो ये पूरा एरिया जो मेरा बन जाएगा ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसे बनाने के लिए क्या है, मेन चीज है G01 Z-5.0 feed 0.05 की इसमें फीड रखेंगे, 08 या 0.1 तक भी रख सकते हैं, बट जो ये मैनुअल ड्रिल एंड ट्विस्टेड ड्रिल रहती है इसमें 0.05 की जो है फीड सही चलती है, उतना ही रख के चलाना चाहिए, वैसे 0.1 तक की उसमें चला सकते हो इजीली। और अब बात क्वेश्चन उठता होगा माइंड में, भाई ये एक बार में पूरा क्यों नहीं पिटाया, यानी 26 mm अगर बैटरी ये यहां तक लाने के लिए है तो ये 26 mm एक बार में क्यों नहीं ले गए। एक बार में हम 26 mm ले जा सकते हैं, बट क्या होगा इसके जो ये सॉलिड मटेरियल है, तो अगर जब पूरा एक बार में ले जाएंगे तो ड्रिल जो है कूलेंट जो है इसके थ्रू जा नहीं पाता वहां तक, तो ड्रिल क्या होता है मान लो गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाएगा तो उसमें मेल्ट होके और चिपक जाएगा, यानी कि आपका ड्रिल यहीं पे कहीं फंस जाएगा, पूरा ना कटिंग करेगा, इसमें चिप्स वगैरह भर जाएंगे। तो इसलिए करते क्या है, सॉलिड पीस में जब भी हम ड्रिल करते हैं तो हम पहला 5 mm या 10 mm जो है पहले लेके जाएंगे, इससे थोड़ा सा अब पीछे लेंगे, यानी ये पीछे या तो एक बार पूरा बाहर निकाल लें या थोड़ा सा पीछे ले लें, क्योंकि थोड़ा सा भी लेंगे तो भी ठीक है, और अगर ज्यादा बीच में बुरादा फंस जाएगी जैसे भी दिक्कत आती है उस टाइम पे हमें देखना होता है। मान लो हम थोड़ा सा इसे ले लेते हैं G0 Z-3, थोड़ा सा हमने पीछे ले लिया तो क्या हुआ, थोड़ा बाहर आया तो कूलेंट और इसके थ्रू अंदर चला जाएगा, जो चिप्स वगैरह थोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। या इसे अगर ऐसे नहीं लेना चाहते हो ओब्लिक करके ये भी कर सकते हो G0 Z-2.0, बिल्कुल भी बाहर निकाल सकते हो तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। बट फिर आपको क्या करना होगा, फिर रैपिड में हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा अगर फिर दोबारा से फीड में लेके जाएंगे तो साइकिल टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो फिर करेंगे क्या कि यहां तक तो हम बाहर निकाल लिए, इसके बाद जो है यानी कि ये -5 तक तो पहले ही जा चुका था, तो Z-4 तक हम ले जाएंगे रैपिड में, ठीक है, ताकि हमारा जो है टाइम बच सके। इसके बाद फिर कटिंग फीड में फिर दोबारा से अगली लाइन लिखेंगे, एक्स एक बार डिफाइन कर दिया वही रहेगा, हमें खाली एक्स को नहीं छेड़ना, ये बार बार हमें जेड के ही करना है। इसके बाद हम ले जाएंगे माइनस, फिर मान लीजिए हम ले जाते हैं 15 तक, ठीक है, Z-15.05, ठीक है। फीड आपने एक बार कहीं पर भी दे दी है, अगर तब तक ये यही वाली फीड रीड करेगा, अगर दूसरी जगह अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज हो जाएगी, अदरवाइज एक बार अगर दे चुके हैं तो वो तब तक चेंज नहीं करोगे तब तक लेता रहेगा। अब सेम कहानी यहाँ पे करनी है, मान लीजिए G0 Z, अब मैं इसे थोड़ा सा 10 mm पीछे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा चिप्स वगैरह निकल जाए, यहाँ पे फीड देने की जरूरत नहीं है, अगर दे भी देते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो लेगा नहीं बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये यहां पे ले लिया, ये 15 तक गया था, तो इसके लिए G0 फिर इसमें रैपिड में ले जाएंगे, यानी कि ये बाहर निकाला, फिर इसे अगर हमें थोड़ा सा और रैपिड में ले जाएं, ठीक है, यानी कि कितने तक, जेड माइनस 15 है तो हम 13 तक ले जाएंगे या 14 तक ले जाएंगे, 14.0, ठीक है, फिर G01 जेड माइनस, अब ले जाते हैं 25, यानी कि 20 तक ले जाते हैं पहले, या पूरा ही अगर आप चाहते हो तो पूरा एक बार भी निकाल सकते हो। ये आपके कंपोनेंट अगर ज्यादा एसएस का मटेरियल है तो ज्यादा बाहर बाहर निकालना पड़ता है, यानी कि उसमें थोड़ी हार्ड कटिंग होती है, और अगर एमएस वगैरह का है मटेरियल तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो एक बार में भी हो जाता है। तो इसमें मैं ले लेता हूँ 26 mm, ठीक है, अब ये मेरा पूरा थ्रो होल चला गया। अब इसके बाद हम इसे निकालेंगे, तो G0 Z2.0 यहाँ पे मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है पूरा। इसके बाद हम यहाँ पे G40 लगा सकते हैं कैंसिलेशन के लिए, नहीं तो नहीं जरूरत है वैसे, और यहाँ पे M09 कूलेंट ऑफ करने के लिए। उसके बाद जो है मैं इसे ले जाऊंगा G0X, अब मान लीजिए ये मैं Z2 पे है तो इसे थोड़ा सा हम सेफ जोन में ले जाते हैं, 200 Z100.0, ठीक है। इसके बाद G20, ये एंड ऑफ ब्लॉक हमेशा लगाना है लाइन, जब भी फार्म कंट्रोल में ये एंड ऑफ ब्लॉक चाहिए चाहिए, ना तो लाइन का सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके बाद जो है G28 U0 W0 होम पोजीशन पे चले आएंगे, M05 स्पिंडल, ये M05 जो है स्पिंडल स्ट्रोक के लिए है, और M30 जो है एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरीके का मैन जो है आप ड्रिल का प्रोग्राम इजीली बना सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है, बाकी इसमें भी लोग फंसते हैं, समझ में नहीं आता किस तरीके से बनाना, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसे मैनुअली पहले जहां पे भी सॉलिड वर्क से कोई कंपोनेंट बनता है वहां पे ड्रिल की जरूरत है, तो ड्रिल हमेशा वहां पे चलते ही चलता है, तो ड्रिल में ये चीजें हमें करनी चाहिए। इस तरीके का सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं, इसमें कंवर्ट भी कर सकते हो, जैसे ये हम यहाँ बाहर लाए थे, यहाँ पे भी हम इसे पूरा G0 Z2.0 बाहर ला सकते हैं, ये अपनी सहूलत के ऊपर है। तो ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मैं समझता हूँ। और अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज ना समझ में आई हो या कोई दिक्कत लगी हो तो जरूर कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको जरूर उसकी समस्या का सॉल्व करूंगा या कमेंट्स में आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो अच्छी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल या अदर CNC से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज में जाइए, वहां पे आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।